अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वो रहमान ही है जिसने खुद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को कुरान सिखाया। उसी ने इस कामिल इंसान को पैदा फरमाया। उसी ने इसे यानी नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का बयान सिखाया। सूरज और चांद उसी के मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं। या कसम है रात की तरह आपके हिजाब जात की, जबकि वो आपके नूरे हकीकत को कई पर्दों में छुपाए हुए हैं। आपके रब ने जब से आपको मुंतखब फरमाया है आपको नहीं छोड़ा, और ना ही जब से आपको महबूब बनाया है नाराज हुआ है। और बेशक हर बात की घड़ी आपके लिए पहली से बेहतर यानी बाय से अजमत और रिफत है, और आपका रब अन करीब आपको इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। ए हबीब, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया, फिर उसने आपको मुअज्जज और मुकर्रम ठिकाना दिया। और उसने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता और गुम पाया तो उसने मकसूद तक पहुंचा दिया, और उसने आपको विसाल हक का हाजत मंद पाया तो उसने अपनी लज्जत दीद से नवाज कर हमेशा के लिए हर तलब से बेनियाज कर दिया। और उसने आपको भटकी हुई कौम के दरमियान रहनुमाई फरमाने वाला पाया तो उसने उन्हें आपके जरिए हिदायत दे दी, और उसने आपको जव्वाद व करीम पाया तो उसने आपके जरिए मोहताजों को गनी कर दिया। सो आप भी किसी यतीम पर सख्ती ना फरमाएं। और अपने दर के किसी मंगते को ना झिड़के। सो आप भी किसी यतीम पर सख्ती न फरमाएं और अपने दर के किसी मंगते को ना झिड़कें,
और अपने रब की नेमतों का खूब तज़किरा करें। तेरे